हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का टॉप 300 एमसीक्यूज में लेकर आ रहा हूँ। इसका भाग दो है। पहला भाग अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें उम्मीद है कि लगभग सात, छः से सात भाग आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे। आपका स्कोर इसमें कितना आता है, वीडियो को अंत तक देखिए और स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका व्याख्या किया गया है, किसमें किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग ये बोलते हैं कि 3 से 4 सेकेंड का टाइम दिया कीजिए, तो ये टाइम देता हूँ मैं 3 से 4 सेकेंड का, आप भी आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ओके, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी इत्यादि शब्दों का सही क्रम है। मतलब कि कौन सा शब्द पहले स्टार्ट होता है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा आता है, ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ से हमारा संविधान के उद्देश्य का जो है वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यहाँ पे देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुनिष्ठ जो है वस्तु स्थिति, ये था भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें भी यह प्रश्न था, अब मैं बता चुका हूँ आपको। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि पिछले ही वीडियो में मैंने इसका आंसर आपको बताया है। ओके, ये जो है इस नाम का उल्लेख आर्टिकल 1 में ही किया गया है, आर्टिकल 1 में। ओके, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया, ये किया गया है, कहा गया है जी ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो है एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे और अमेरिका के निवासी थे जी ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, जिसको कोऑपरेटिव फ्रेंडली कहा जाता है, ये कहा था। और एक और व्यक्ति हैं केसी ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है। केसी ईयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। खैर, ये सब बहुत ही कम पूछा जाता है, जो भी विदेश के लोग हैं उन्होंने क्या कहा है भारतीय संविधान के बारे में, बहुत ही रेयर केस में प्रश्न इस टाइप के बनते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी, किसी भी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रीएम्बल बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, इसका प्रारंभ हम भारत के लोग, इसी वर्ड से, शब्द से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संविधान का जो मूल सोर्स है, मूल स्रोत भारत की जनता है और वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से इन चारों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में सम्मिलित नहीं था?
तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी अखंडता। ओके अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा जोड़ा गया है। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, बहुत ही ज़्यादा व्यापक परिवर्तन इसको इस संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णांक और समान रूप से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा मानव। ओके मानव। सभी व्यक्ति पूर्णांक और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिकता से। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः पूरी तरीके से समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिकता इसके नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान से बिना किसी भेदभाव किए ये उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। भारत जो है हमारा इंडिया, ये एक सेकुलर कंट्री है हमारा, पंथ निरपेक्ष। देखिए ये जो है, थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना 42वें, ओके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसका मतलब ये है कि जो ऐसा राष्ट्र या ऐसा राज्य जो किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है, जैसे हमारा देश भारत हो गया। ओके तो और अगर कोई भी देश है जैसे अपना धर्म उसका विशेष धर्म है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म है वहाँ के, और उसके अलावा उस देश में किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे देश में धर्म के आधार पे जो है इसको नहीं बांटा गया है, इसलिए हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? संविधान की उद्देशिका में इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ओके ये याद रखेंगे। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? प्रियम्बल को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। ये क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, केशवानंद भारती विवाद 1960 ईस्वी में बेरुबारी संघ मामले में ये प्रश्न उठाया गया था कि प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल बोला जाता है, प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है। तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने ये रिजल्ट दिया, निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 इसमें इसे जो है वो बदल दिया, इसमें बदलाव कर दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, हो सकता है इसमें संशोधन, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
इनमें से कौन सही है ये हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कटा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो चार ऑप्शन है इसमें हम लोगों को बताना है कौन कौन सही है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला है भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ओके, उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, मतलब कि जो पहला आर्टिकल है संविधान का, इसके अनुसार भारत क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर है भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की देसी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। सरदार पटेल की सबसे ज्यादा भूमिका इसमें रही है देसी रियासतों के विलय में। अगर ऐसा नहीं करते, सरदार पटेल अगर नहीं होते, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हमारा देश, हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने देश होते। अगर हम लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना होता तो कम से कम दो से तीन देश पार करके जाना होता। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है सरदार पटेल की रही है, इन्होंने ही एकीकरण किया, देश को एक किया। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। देखिए संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है और उसके अधीन संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं जो है राष्ट्रपति के द्वारा खुद नियुक्त किया जाता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस के धर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एस के धर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? 1956 की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको कितने राज्यों और कितने संघ राज्यों का गठन किया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ओके, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? अगर कोई राज्य बनाना है, कोई स्टेट बनाना है, तो इसकी पावर, इसकी शक्ति किसमें निहित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संसद। संसद कहने का मतलब हुआ कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है जबकि अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। किस संविधान संशोधन, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 3 है इसके अनुसार संसद को ये शक्ति प्राप्त हुई है, तो ये आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। किस संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? NCR, इसका दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी 69, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह संशोधन हुआ था 1991 में और इसके तहत संविधान में आर्टिकल 239 क, ओके, और आर्टिकल 239 ख, ओके,
इसको जोड़ा गया और इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए विधानसभा, यहाँ पे जो है दिल्ली में आपको पता है विधानसभा है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और मंत्रिपरिषद, इसका उपबंध किया गया दिल्ली में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों स्टेट की स्थापना एक ही वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, जबकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड बिहार से अलग होकर बना था और छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर ये नया राज्य बना। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? देखिए अभी इसमें बदलाव हुआ है, अब अभी अगर इसके अनुसार हम लोग देखें, ये पुराना डेटा अगर देखें तो इसका 7 आंसर होगा, लेकिन अभी हाल ही में आर्टिकल 370 का संविधान संशोधन 370 को हटाया गया है जे एंड के से, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर को एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ओके यूटी बनाया गया है। एक हो गया लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया, दो नए जो है यूटी बने हैं। तो अब आपको बताना है कमेंट में कि हमारे देश में कितने संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी 370 और 35A इसको रिमूव किया गया है, हटाया गया है, परमानेंटली नहीं हटाया गया है, लेकिन ये जो है अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है ये आर्टिकल। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है, अभी जस्ट मैंने बताया इसके बारे में ये, लेकिन मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है, संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज क्षेत्रों के नाम और उनके अंतर्गत आने वाले राज क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो इसी में हम लोगों को संशोधन करना होगा। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। ओके, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? अगर कोई न्यू स्टेट बनाना है, ओके बहुत सारे स्टेट जो है वो मांग करते हैं और अभी जस्ट जो है वो तेलंगाना एक नया स्टेट बना है, तो अगर एक नया राज बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर है साधारण बहुमत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब हुआ साधारण बहुमत, और ये जो बहुमत होगा वो संसद में होगा यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों होंगे। ओके, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, उसके सीमा, नाम, इसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके लिए विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद द्वारा इसे जो है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और आर्टिकल 3 इसके अंतर्गत बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के बारे में मैंने आपको बताया भी था, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली जो विधि है ये विधि नहीं समझी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इसने बेरुबारी मामले जो 1960 हुआ था, अभी जस्ट मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, 1960, इसमें कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। मतलब कि अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट को बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर साधारण बहुमत की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर कोई स्टेट है और इस स्टेट का चाहे कुछ हिस्सा, कुछ ज़मीन
या इस स्टेट को ही दूसरे देश को देना है तो ये साधारण बहुमत से नहीं होगा। ओके, इसमें जो है वो अलग जो है वो संशोधन किए जाएंगे, संशोधन नहीं, इसमें बहुमत जो है वो साधारण नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अभी चाइना अगर चाहता है कि हमारे देश का कोई हिस्सा वो ले और हम भी उसे देना चाहें, तो यहाँ पे साधारण बहुमत से ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संसद को। ओके, नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी जस्ट तेलंगाना के बारे में मैंने चर्चा किया कि अभी हाल ही में तेलंगाना एक नया राज्य बना है। तो अब पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। अभी करंट में ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि तेलंगाना के बाद जो डेटा सामने आया उस डेटा में अभी जस्ट दो महीने पहले, एक महीने पहले परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ये भी हमारा एक स्टेट था, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है अब स्टेट नहीं रहा, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन गया है। तो चलिए कमेंट में आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले जो है आंध्र प्रदेश का हुआ। ओके, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और इसके बाद सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है? किस राज्य का स्थापना हुआ, इसके बाद किसका हुआ, इसके बाद किसका हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। मेघालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम की स्थापना जो है 1975 में की गई। ओके, और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में की गई। अभी लास्ट जो है हमारा रहा है तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2014 में की गई, 2 जून 2014 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? ये हुआ आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री मुल्लू की मृत्यु हो गई थी और इनकी ये मांग थी कि भाषाई आधार पे राज्य का गठन किया जाए। लोकसभा में संघ राज क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 20। ये था 30 क्वेश्चन हमारा, 30 में आपका स्कोर क्या रहा ये बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। सो बस इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू सो मच।